मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी घमासान मचा हुआ है। राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी बीच एमपी में सिंधिया का एक जबरा फैन देखने को मिला है, जिसने अपने सीने पर सिंधिया की तस्वीर गुदवाई हुई है। दरअसल शिवपुरी जिले के रहने वाले रूपेश अवस्थी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। मामला सिंधिया की फैन फॉलोइंग से जुड़ा हुआ है। इन्होंने पिछले लोकसभा में सिंधिया की जीत की कामना करते हुए संकल्प लिया था कि अगर वे जीत जाते हैं तो शर्ट और चप्पल पहनना छोड़ देंगे, लेकिन वे चुनाव हार गए। लेकिन इस बार इन्होंने फिर संकल्प दोहराया है। युवक सिंधिया का इतना बड़ा फैन है कि उसने अपने सीने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर बनवाई हुई है। उनका कहना है कि मेरे दिल के पास सदैव सिंधिया जी रहते हैं। अशोक नगर पहुंचे सिंधिया के साथ सीने पर सिंधिया का टैटू छपाया हुआ एक शख्स नजर आया। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में महाराज जी की जीत के लिए अर्धनग्न और चप्पल छोड़ने का निर्णय लिया था। महाराज के हार जाने के बाद इस संकल्प को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तक के लिए जारी रखा, ताकि जब हमारे नेता सिंधिया आगामी सांसद का चुनाव जीतेंगे तभी मैं शर्ट और चप्पल को पहनूंगा। नेता के प्रति इस तरह की भक्ति लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। रूपेश अवस्थी ने बताया कि वह सिंधिया की प्रत्येक सभा में शामिल होता है, जहां बगैर शर्ट और चप्पल के देखकर लोग मुझसे सवाल भी करते हैं, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मेरे लिए जो कुछ भी है वह सिंधिया जी है। आगामी चुनाव में सांसद बनने के बाद शर्ट और चप्पल को पहनना शुरू कर दूंगा, लेकिन तब तक मेरा ये संकल्प अटल रहेगा। गौरतलब है कि 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हार मिली थी। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आ गए। अब इस साल एमपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सिंधिया के समर्थकों की चाहत भी होती है कि महाराज पार्टी को आगे बढ़ाएं। हालांकि ये फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है। बता दें कि एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।